वेलकम टू कठपुतली एजुकेशन। आज हम जानेंगे कि बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, टॉपर्स वाले हम रूल किस तरीके से अपना सकते हैं। तो बहुत इजी रूल है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट्स और जो भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सभी टॉपिक से बात करने से पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी करने को लेके आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सबसे फर्स्ट है कि टॉपर्स कब आते हैं स्टूडेंट, वो सबसे पहले अपने एक शॉर्ट नोट्स रेडी रखते हैं एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट के, कि जब भी वो एग्ज़ाम में जाए तो उससे पहले वो रिवीजन है जो कि कर ले, ठीक है। सेकंड है हाईलाइट पॉइंट्स, उन शॉर्ट नोट्स में कुछ हाईलाइट पॉइंट्स कर देते हैं जिनको उनको दोबारा रिवीजन करना होता है, ठीक है। मान लो अगर आपका टॉर्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट, या फिर मान लो आपका आईपीसी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे उस पर हाईलाइट पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है, कि इसके प्रोविज़न यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसमें इतने सेक्शंस हैं और उनका मीनिंग ये है, या फिर कुछ एक के डेफिनेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइट पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है केसेस लो। तो अब मान लो आपको दो क्वेश्चन करनी है लेंथी, ठीक है, तो उसमें से टर्न क्वेश्चंस निकालोगे, ठीक है। तो आप टर्न क्वेश्चंस निकाल के हर एक में केसेस लिख लोगे, ठीक है, कि अगर उनमें से दो क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप जो है इजीली कर दें, और जो केसेस लो हैं वो भी इजीली, बार बार आपको बुक या फिर कोई सीरीज़, ठीक है, ये सब ना खोलने पड़े और केसेस लो एक साथ दिख जाए, और किस पर्पज़ से वो केस आया था, मतलब क्या प्रिंसिपल लेट डाउन था, इस तरीके से आप जो है एक पेज पे ये सारी चीज़ें बना सकते हो। एग्ज़ाम को करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर स्पीड है तभी आप एग्ज़ाम है जो कि आप LLB BLLB इनके जो है इजीली कवर कर सकते हो। और जो राइटिंग है वो भी बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से वहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काम आती है। पता है बेस्ट आंसर कैसे लिखें, ठीक है, मतलब आपको किस तरीके से एक अच्छा आंसर जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हो जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। तो देखो बात है कि आंसर जब आप लिखो तो सबसे मेन क्या बात होती है कि हम एक वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो जितना बेस्ट लिखेंगे, जितना अच्छे से उस कॉपी को सजाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है वहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स देंगे। तब कॉपी के सजाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फूल पत्ती बनानी है, हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके आंसर से सजाना है हमें उस कॉपी को, मीनिंग ये होता है। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आता है कि पेन यूज़, आपको ब्लैक और ब्लू दोनों पेन यूज़ करने होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी LLB का एग्ज़ाम हो। उसके बाद है पॉइंट, ठीक है, मान लो जैसे आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, जैसे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, केसेस लॉ है, कंक्लूजन है, कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखना है, ठीक है, और उसके ऊपर बॉक्स बनाना है, जैसे आपको दिख रहा होगा पॉइंट के जस्ट सामने बॉक्स किस तरीके से बनाना है, ठीक है, अंडरलाइन करके फिर उसको बॉक्स में बंद कर देना उस पॉइंट को, चाहे कोई भी पॉइंट हो, कोई भी अगर हाईलाइटेड मतलब इंपॉर्टेंट लाइन हो तो उसको भी ऐसे बॉक्स में बंद करनी है, चाहे बीच में आ रहे हो डेफिनेशन के तो भी, ठीक है। अब पॉइंट कौन कौन से यूज़ करने हैं, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर डेफिनेशन जिस भी चीज़ की पूछी गई है उसके सेक्शन वाइज कहाँ कहाँ उसकी डेफिनेशन है, किस किस ने डेफिनेशन दे रखी है राइटर वगैरह, उसके बाद उसके केसेस लो अगर डेफिनेशन के हैं, नहीं तो अदरवाइज उसका कंक्लूजन दे देना है, फिर उसके बाद उसके केसेस लो लिखने हैं, ठीक है। फिर आपको जब सब सारा जब आप क्वेश्चन कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है या फिर एलिमेंट्स पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, उसके जस्ट बाद आपको फिर उसका कंक्लूजन देना होता है, तभी आप एक अच्छा आंसर कर सकते हो। और जितने भी केसेस लो हैं उसके सामने भी आपको बॉक्स बनाने हैं, उनका नेम है जो कि उस बॉक्स में बंद करना है, और हाईलाइट मतलब डार्क करके अंडरलाइन टू डबल कर सकते हो, ठीक है, मतलब टू अंडरलाइन है, फिर हम जिसको डबल अंडरलाइन बोलते हैं वो करके आप है जो कि अच्छा आंसर लिख सकते हो। इससे क्या है कि एक आपके हाईलाइट इम्प्रेसिव आंसर होता है, ठीक है, बेस्ट मार्क्स दिए जाते हैं, और अभी तक जो भी ऐसी जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उनके हमेशा ही गुड मार्क्स देखे जाते हैं। तो आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।